अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की अपकमिंग फिल्म चकदा एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट आज कर दी गई है। यह फिल्म भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर ओटीटी रिलीज होगी। आज इस फिल्म से अनुष्का का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। टीजर में अनुष्का बंगाली एक्सेंट में झूलन गोस्वामी की तरह बोलती नजर आ रही हैं। उन्होंने साथ में इमोशनल नोट भी लिखा है और बताया कि यह फिल्म उनके लिए क्यों खास है। अनुष्का ने नोट में लिखा, यह फिल्म मेरे लिए वाकई खास है क्योंकि यह जबरदस्त त्याग की कहानी है। चकदा एक्सप्रेस पूर्व भारतीय कप्तान झूलन गोस्वामी की जिंदगी पर आधारित है और महिला क्रिकेट की दुनिया में आंखें खोलने वाली रहेगी। जिस वक्त झूलन ने क्रिकेटर बनने और देश को दुनिया के सामने सम्मान दिलाने का फैसला लिया, उस वक्त महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स के बारे में सोचना भी मुश्किल था। इस फिल्म में उन कई घटनाओं को ड्रामेटिक रूप से फिर से बताया गया है जिनसे उनके जीवन ने आकार लिया और महिला क्रिकेट ने भी। अनुष्का ने लंबे नोट के साथ यह भी लिखा कि हम सभी को झूलन और उनके साथियों को भारत में महिला क्रिकेट क्रांति लाने के लिए सल्यूट करना चाहिए। एक महिला के रूप में मुझे झूलन की कहानी सुनकर गर्व हुआ और उनकी कहानी दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों तक लाना मेरे लिए सम्मान की बात है। झूलन की कहानी वाकई भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उपेक्षित रही है। यह फिल्म उनके जज्बे के लिए हमारा सेलिब्रेशन है। अनुष्का शर्मा 2018 से किसी फिल्म में नहीं दिखाई दी। आखिरी बार उन्हें शाहरुख खान की फिल्म जीरो में देखा गया था। INS रिपोर्ट।